हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लर्न करेंगे डिफरेंस बिटवीन गैस्ट्रिक अल्सर एंड ड्यूडिनल अल्सर और गैस्ट्रिक अल्सर वर्सेस ड्यूडिनल अल्सर। तो गैस्ट्रिक इज रिलेटेड टू स्टमक एंड अल्सर इज सोर्स इन द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। ड्यूडिनल means first part of the small intestine and ulcer means sores on the lining of the duodenum. So this is the main difference. तो first difference जो है वो है location. तो जो gastric ulcer है वो कहाँ located होता है? Stomach की lining. Stomach की lining का जो ulcer है उसको हम कहते हैं gastric ulcer. और जो ड्यूडिनल अल्सर है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे फर्स्ट पार्ट है, उसको हम कहते हैं ड्यूडिनम। तो ड्यूडिनम का जो अल्सर है उसको हम कहते हैं ड्यूडिनल अल्सर। सेकंड जो डिफरेंस है वो है कॉजेज और इटियोलॉजी, क्या क्या कॉजेज होते हैं। तो गैस्ट्रिक अल्सर के कॉजेज हैं हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स एंड स्ट्रेस। जो ड्यूडिनल अल्सर है उसके कॉजेज हैं हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन, जहाँ जिसको हम एच पाइलोरी इन्फेक्शन भी कहते हैं, एंड नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। थर्ड जो डिफरेंस है वो है पेन टाइमिंग, कि किस टाइम पे ज़्यादा पेन होती है। तो गैस्ट्रिक अल्सर की जो पेन है वो टिपिकली वर्सन्स विद मील्स। जब पर्सन खाना खाता है तो खाना खाने के बाद जो पेन है बहुत ज़्यादा होती है, स्वियर होती है। तो ये होती है गैस्ट्रिक अल्सर की खाना खाने के बाद। और जो ड्यूडिनल अल्सर की पेन है वो खाना खाने के पहले होती है, और जब पर्सन खाना खा लेता है तो खाना खाने के बाद वो पेन जो है वो रिलीव हो जाती है। नेक्स्ट डिफरेंस इज पेन करैक्टर। तो किस तरह की पेन होती है? जो गैस्ट्रिक अल्सर की पेन है वो है बर्निंग सेंसेशन होती है, जलन महसूस होती है, वैसी पेन होती है। और जो ड्यूडिनल अल्सर की पेन है वो बर्निंग सेंसेशन एंड क्रैम्प लाइक पेन होती है ड्यूडिनल अल्सर की। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो है पेन रेडिएशन, कि पेन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह रेडिएट होती है या नहीं होती। तो गैस्ट्रिक अल्सर की पेन जो है वो रेडिएट होती है टू द बैक और टू द चेस्ट, बैक को या चेस्ट को रेडिएट होती है। जो ड्यूडिनल अल्सर की पेन है वो रेयरली रेडिएट्स, मतलब रेडिएट नहीं होती। नेक्स्ट है पेन एट नाइट, कि रात के समय पेन होती है या नहीं होती। तो गैस्ट्रिक अल्सर की पेन जो है मोस्टली नाइट टाइम पे होती है। और जो ड्यूडिनल अल्सर की पेन है मे वेक अप विद पेन, मतलब पेन के जो मॉर्निंग टाइम पे ज़्यादा होती है, जब पेट बिल्कुल खाली होता है उस टाइम पे ज़्यादा पेन होती है ड्यूडिनल अल्सर की। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो है एसोसिएटेड सिम्टम्स, और मतलब पेन के अलावा और क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। तो गैस्ट्रिक अल्सर में जो है वो सिम्टम्स पेन के साथ नोज़िया भी हो सकता है, वॉमिटिंग भी हो सकती है, लॉस ऑफ एपिटाइट, एपिटाइट जो है वो कम हो जाती है। जो ड्यूडिनल अल्सर है लेस लाइकली टू कॉज नोज़िया एंड वॉमिटिंग, मतलब ड्यूडिनल अल्सर की जो पेन है वो उसके साथ नोज़िया या वॉमिटिंग के चांसेस कम होते हैं, बहुत कम होते हैं। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो है कॉम्प्लिकेशंस। तो गैस्ट्रिक अल्सर में जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं गैस्ट्रिक अल्सर के कारण, वो होती हैं ब्लीडिंग, गैस्ट्रिक ब्लीडिंग हो सकती है, गैस्ट्रिक लाइनिंग की परफोरेशन हो सकती है, या फिर स्टमक की ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। जो ड्यूडिनल अल्सर है उसमें ब्लीडिंग हो सकती है एंड परफोरेशन, ड्यूडिनम में ब्लीडिंग हो सकती है या ड्यूडिनम की जो लाइनिंग है उसकी परफोरेशन
हो सकती है। नेक्स्ट डिफरेंस इज रिस्क फैक्टर्स। गैस्ट्रिक अल्सर के जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो है, मतलब किन किन कारणों के कारण ज़्यादा इफेक्ट हो सकता है, वो है स्मोकिंग, एल्कोहल, स्ट्रेस एंड सर्टेन मेडिकेशंस। और जो ड्यूडिनल अल्सर है उसके रिस्क फैक्टर्स हैं स्मोकिंग एंड ब्लड टाइप ओ। जिन पर्संस का ब्लड टाइप ओ है उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं ड्यूडिनल अल्सर के। नेक्स्ट जो है वो है इंसिडेंस। तो गैस्ट्रिक जो अल्सर है वो लेस कॉमन होता है और जो ड्यूडिनल अल्सर है मोर कॉमन होता है। नेक्स्ट है डायूरिनल रिदम जो है वो है सिम्टम्स में फॉलो मील पैटर्न्स। जो सिम्टम्स होते हैं इसके गैस्ट्रिक अल्सर के वो खाना खाने के बाद जो है ज़्यादा होते हैं, और जो ड्यूडिनल अल्सर के सिम्टम्स जो हैं मे बी रिदमिक और ज़्यादातर ये मॉर्निंग में होते हैं। नेक्स्ट इज एज ग्रुप। कौन से एज ग्रुप्स में ज़्यादा ये होते हैं अल्सर? तो गैस्ट्रिक अल्सर जो है ओल्डर एडल्ट्स में ज़्यादा होता है, और जो ड्यूडिनल अल्सर है वो यंगर पर्संस या फिर मिडल एज्ड पर्संस में ज़्यादा होता है। नेक्स्ट जो है हीलिंग टाइम, मतलब हील होने को कितना टाइम लगता है। जो गैस्ट्रिक अल्सर है वो उनकी हीलिंग स्लो होती है, और जो ड्यूडिनल अल्सर्स हैं उनकी हीलिंग जो है फास्ट होती है। नेक्स्ट है कैंसर रिस्क, कि अल्सर के कारण रिस्क का कैंसर जो है हो सकता है या नहीं हो सकता। तो जो गैस्ट्रिक अल्सर है उसके कारण स्टमक का कैंसर होने के ज़्यादा रिस्क होता है, ज़्यादा चांसेस होते हैं। और जो ड्यूडिनल अल्सर है इसमें नो सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन कैंसर रिस्क, मतलब कैंसर के रिस्क जो है वो कम होता है। नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट क्या करनी चाहिए अलग अलग टाइप की? तो गैस्ट्रिक अल्सर को ट्रीट करने के लिए एसिड सुप्रेसिंग ड्रग्स दी जाती हैं और एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। और जो ड्यूडिनल अल्सर है उसमें भी एसिड को सुप्रेस करने के ड्रग्स दी जाती हैं और एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। नेक्स्ट जो डिफरेंस है स्ट्रेस इन्फ्लुएंस, कि स्ट्रेस का इन्फ्लुएंस होता है या नहीं होता। तो गैस्ट्रिक अल्सर में ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, और जो ड्यूडिनल अल्सर है उसमें स्ट्रेस का इन्फ्लुएंस कम होता है। नेक्स्ट है इफ़ेक्ट ऑफ फूड, कि फूड के जब हम खाना खाते हैं तो जब अल्सर वाला पेशेंट खाना खाता है तो खाना खाने का क्या इफ़ेक्ट होता है? तो इसमें क्या होता है, गैस्ट्रिक अल्सर में जब पर्सन खाना खाता है तो पेन जो है बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाती है, और ड्यूडिनल अल्सर का पेशेंट जब खाना खाता है तो उसके बाद जो है उसकी पेन जो है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट लास्ट जो है डिफरेंस वो है रीअकरेंस रेट, कि दोबारा हो सकता है या नहीं हो सकता, चांसेस कितने हैं। तो गैस्ट्रिक अल्सर के हायर रेट रहता है और ड्यूडिनल अल्सर का जो रीअकरेंस रेट है वो कम होता है। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन गैस्ट्रिक अल्सर एंड ड्यूडिनल अल्सर। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।